हम कल के क्लास का नेक्स्ट क्लास का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखा है हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, ठीक है, क्या लिखा है पढ़ना जरा, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस, दे ऑल्सो हेल्प टू स्पीक प्रॉपरली बट मो पा और चा क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही हो जाएगा हमारा एम और टेंट ली इम्पोर्टेंटली। तो इसको पढ़ेंगे क्या, तीथ है ला और पा क्या हो जाएगा, अस टू स्विंग और फूड, ठीक है, इन पढ़ेंगे और टू क्या हो जाएगा, इस स्मॉलर स्मॉलर पीस पीस सो दे ए और चा क्या पढ़ेंगे, दे कैन बी फॉलो द सॉरी एंड डाई जेफ, जी को मैंने कहा था जाकर भी सोड़ निकालते कभी, तो डाई जेफ ऑटेड डाइजेस्टेड इजली। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परली टेम और रे अरी टेम्पररी टीथ एंड पर मानेंट परमानेंट टीथ। नेक्स्ट आइए वेन वेन आ वे और बी बेबी इज बॉर्न इट्स teeth are not seen seen the baby the baby has have tooth tooth buds inside inside the gum gums the teeth start growing when the way be is about क्या हो जाएगा About six months old. Why the time the baby क्या पढ़ेंगे baby we का marks becomes three years old. It has a say or ta kya ho jayega set of twenty t or th teeth this set of first teeth is called temporary teeth
और मी ल का क्या हो जाएगा, मिल्क टीथ। तो ये है अभी आपका परमानेंट टीथ रह गए हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे पढ़ा था हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, तो जो दांत हैं यानी कि टीथ हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल हैं। यूजफुल मींस होता है उपयोगी हैं, क्या है, उपयोगी हैं, जो हमारे जो माउथ में क्या है टीथ है वो किस प्रकार से उपयोगी हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे टीथ गिव, देखिए टीथ मीन हो जाएगा दांत, और अब गिव कैसे पढ़ा, जी को गा पढ़ रहे हैं, आई को ई, बी को बा, क्या हो जाएगा गिव, गिव प्रॉपर, क्या हो गया प्रॉपर। इसको एफ एच को सा पढ़ते हैं, ए और पी, लास्ट में ई आता है, नहीं पढ़ते हैं या आपका साउंड निकालता है, कई बार मैंने बताया। तो छे और पा क्या हो जाएगा टू, और फेस यहाँ भी देखिए लास्ट में ई आया है तो आपका साउंड होता है एफ का था, ए का एफ है और पी का सा। देखो सी क्या है, सी को हम काफी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं, यस बताए टी एच का दा हो जाएगा। एक बात और, अगर बाई जो लिखा है बाई से पहले कोई भी बॉबल है, कोई भी बॉबल अधिकतर बॉबल, ठीक है, जैसे ई है ए है तो वहां पर इसका साउंड हो जाता है ए, और अधिकतर बाई का साउंड क्या होता है ई, लेकिन बाई से पहले कोई बॉबल हो तो वहां क्या पढ़ेंगे ए, जैसे दे, बाई यहाँ पर क्या है साइलेंट है या फिर ए मान लो उसका साउंड। Also, help. As to, speak. क्या हो जाएगा? Speak. Properly. 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 Properly का मतलब होता है सही तरीके से, उसी प्रकार से, अच्छे ढंग से। तो क्या निकलेंगे? Teeth give proper shape to our face. जो teeth है वो हमारे मुंह को एक proper तरीके से shape देता है, ठीक है। फिर क्या, they also help us to speak properly. और ये अच्छे ढंग से हमें बोलने भी क्या करता है, help करते हैं। दांत नहीं होंगे तो आपने देखा होगा ना, कोई बोलते हैं अजीब तरीके से बोलते हैं ना, ओल्ड पर्सन, तो वैसे बट, बट मीन होता है लेकिन, किंतु परंतु सब, मोस्ट, एम को मा पढ़ लिया, ओ को ओ, एफ का सा, ठीक है क्या, मो और सा और टैप हो जाएगा मोस्ट। अब यह क्या है, इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंट, देखिए लास्ट में एल और वाई है, एल तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, वाई है तुम्हारा जो कॉन्सोनेंट भी होता है वोवल की जगह यूज भी होता है, तो बाई को यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, ई पढ़ेंगे, तो ई की मात्रा लगा हुआ ला पे एल पे, तो क्या जाएगा ली, तो क्या हो जाएगा एम ओ टेंट ली, क्या हो गया टीथ हेल्प अस टू थ्री, और फूड, थ्री में होता है चबाना, और फूड का मतलब खाने को, इन टू मे स्मॉलर, स्मॉलर पीस, स्मॉलर पीस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, सॉरी सो, सो डैट दे। अब यहाँ भी देखिए टी एच और ई का ए पढ़ेंगे, भाई यहाँ पर साइलेंट है ये, ई वाई को दोनों को मिला लीजिए कि ए का साउंड है, तो क्या दे कैन बी सॉल्व एंड डाइजेस्टेड इजिली। जब हमारे हम खाने को चुइंग करते हैं, दबाते हैं, पीस कर लेते हैं छोटे छोटे, दैट दे कैन बी सॉल्व एंड डाइजेस्टेड इजिली, तो हम उसको आसानी से निगल सकते हैं, पूरा पूरा खाना दिया जाएगा हम नहीं निकल पाओगे, लेकिन जब दांतों से चबा देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हम पीस देते हैं, ठीक है, तो हम उसको आराम से क्या कर लेते हैं, निकल लेते हैं, है ना, सॉलिड उसको निकलना। अब नेक्स्ट आता है टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी मीन होता है कुछ समय के लिए, जब क्षणिक, कुछ समय के लिए, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, छह महीने के लिए, ये ऐसे चीजें तो बाद में जाके समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, टेम्पररी कहलाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए जो होता है। टीथ टेम्परेरी टीथ होते हैं, एंड परमानेंट, क्या लिखा है परमानेंट, क्या हो गया परमानेंट टीथ, अब ये हमेशा के लिए रहते हैं, परमानेंट हो गए, हमेशा के लिए हो गए, हालांकि लास्ट में गिरते हैं, ओल्ड पर्सन हो जाते हैं तब गिरते हैं, लेकिन उस समय बहुत लंबे समय तक के लिए होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे वेन अ बेबी एज बॉर्न, वेन का मतलब जब, अ बेबी मतलब बच्चा, एज बॉर्न का मतलब जन्म होता है, किसी बच्चे का जब जन्म होता है, इट्स मतलब इसके टीथ मतलब दांत आर नॉट सीन, सीन का मतलब दिखाई देना, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो आप देखोगे उसके माउथ में दांत नहीं होते, ठीक है, क्या होता है, तो द बेबी हैज टीथ बड्स, तो वहां पर टीथ बड्स होते हैं, ये अपना नाम माफ नहीं होता, ये गम जिसको बोलते हैं, केवल ये दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, तो टीथ बड्स होते हैं छोटे बच्चे के इनसाइड द गम, गम का मतलब मसूर है, जो हमारा जो मांस जो होता है रेड कलर में, जिसमें दांत हमारे फंसे हुए होते हैं, उसको गम बोलते हैं।
द टीथ स्टार्ट, द टीथ स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना। तो जो दांत स्टार्ट करते हैं, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना शुरू करते हैं, कब? व्हेन, व्हेन मींस कौन सा है, जब, द बेबी, बेबी मींस बच्चा, जब बच्चा इज अबाउट, अबाउट मींस होता है लगभग, सिक्स मंथ्स ओल्ड, तो जब बच्चा लगभग छह महीने का हो जाता है, सिक्स मंथ का हो जाता है, तब उसके दांत क्या होते हैं, ग्रोइंग करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितने मंथ का हो जाता है, सिक्स मंथ का, ठीक है। तब बच्चे के दांत निकलना क्या होते हैं, शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा वाई द टाइम द बेबी बिकम थ्री इयर्स ओल्ड, कह रहे हैं कि वाई द टाइम, टाइम से जब उसका जन्म हुआ था, द बेबी बिकम्स, बिकम्स का मतलब हो जाना, बिकम्स हो जाना थ्री इयर्स, थ्री इयर्स का मतलब तीन साल का, थ्री इयर्स ओल्ड, जब वो तीन साल का हो जाता है, इट इट हैज अ सेट ऑफ 20, तो जब वो सिक्स ईयर का हो जाता है, तब उसके जो दांत हैं, सिक्स ईयर का लिखा कितना, थ्री इयर्स कितना है, तो कोई बेबी जब थ्री इयर्स का हो जाता है, तब उसके पास में 20 टीथ मतलब 20 दांत हो जाते हैं इसके माउथ में, कितने हो जाते हैं, 20 दांत। जब कोई बच्चा है, जब वो सिक्स मंथ का है, तब उसके दांत ग्रोइंग करना स्टार्ट होते हैं, जब वो थ्री मंथ का हो जाता, थ्री इयर्स का हो जाता है, तब उसके पास में मुंह में कितने दांत हो जाते हैं, 20 दांत हो जाते हैं, क्लियर यहां तक। दिस सेट, सेट का मतलब पूरा जो 20 दांत है ना एक साथ जुड़े हुए ऊपर और नीचे पूरा, तो इसको बोला गया है सेट ऑफ फर्स्ट टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी। तो जो शुरू के जो आफ्टर थ्री मंथ तक पहुंचते जो बच्चों के मुंह में दांत हो जाते हैं, ठीक है, 20 टीथ हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ बोलते हैं, समझ में आ गया। और मिल्क टीथ, और का मतलब होता है या, तो या क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, सुना होगा अपने घर में अपने, है ना, कि दूध के दांत हैं। तो जो पहली बार निकलते हैं और थ्री इयर्स तक उसके मुंह में कितने हो जाते हैं, 20 दांत हो जाते हैं, उसको हम टेम्पररी टीथ या कौन से बोलते हैं, मिल्क टीथ, समझ में आ गया। अब पढ़ने की आदत कैसे डालिए, इस तरीके से देखो, हाउ आर द टीथ यूजफुल टू अस, अब माइंड में समझो कि इसको हिंदी क्या कहना है, कि दांत हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है। फिर लिखा है टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस, इतना इसको पढ़ने की आदत डालो, तेजी से बार बार पढ़ेंगे ना तब आदत हो जाती है पढ़ने की। दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली, ये हमारे लिए बोलने में सहायता करते हैं, मैंने हो सकता है थोड़ा आगे पीछे आए, आप कुछ और समझे, मैं कुछ और निकालू, दूसरा बंदा कुछ और निकाले, इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली बट, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली टीथ हेल्प अस टू चेंज द फूड इन टू स्मॉलर पीस, चबाने में सहायता करता है और थोड़े थोड़े टुकड़े कर देते हैं दांत, सो इसीलिए दैट दे कैन बी स्वॉलोड एंड डाइजेस्टेड इजीली, इसीलिए हम उस खाने को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं और निकल जाते हैं, इस तरीके से पढ़ने की आदत डालनी है, समझ में आ रहा है, हाँ जी। फिर लिखा है टेम्परेली टीथ एंड द परमानेंट टीथ, टेम्परेली टीथ का मतलब कुछ समय के लिए जो दांत होते हैं, परमानेंट के लिए जो लंबे समय तक होते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है, इट का मतलब ये है टीथ आर नॉट सीन, तो उसके दांत दिखाई नहीं पड़ते, तो इस तरीके से इंग्लिश निकाल, हिंदी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। द बेबी हैज टूथब्रश, तो बेबी के पास में टूथब्रश होते हैं इनसाइड द गम, गम में, इनसाइड का मतलब अंदर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। द टीथ स्टार्ट ग्रोइंग, टीथ जो होते हैं स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वेन मतलब जब द बेबी इज अबाउट सिक्स मंथ ओल्ड, जब बच्चा सिक्स मंथ का हो जाता है, तब उसके दांत निकलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बाय द टाइम द बेबी बिकम थ्री इयर्स ओल्ड, जब बच्चा जो है तीन साल का हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ो, इट हैज अ सेट ऑफ द 20 टीथ, तो उसके पास में कितने दांत हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। द सेट ऑफ द फर्स्ट टीथ, तो जो पहला सेट होता है दांतों का 20 टीथ का, इस कॉल्ड कहलाता है टेम्परेली टीथ, क्या कहलाता है, और का मतलब या मिल्क टीथ, क्या कहलाता है, ऐसे पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ के आना कल सुनेंगे, ठीक है।